आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा मैं, लेकिन इस छोटे से तरीके का यूज़ करके भी आप 80% 90% हेड टू हेड दो मेंबर तीन मेंबर चार मेंबर लीग इजीली विन कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों आपको करना क्या है, कोई भी मैच आप ओपन कीजिए, कोई भी मैच, हम डेमो आपको मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल, तो आप कोई भी मैच होगा आप कोई भी मैच ओपन कर लीजिएगा। क्रिएट टीम पे जाएंगे आप, और पहला स्टेप जो मैंने आपको लास्ट स्टूडियो में भी बताया था, अगर आपने देख सुना होगा वो वीडियो, तो पहला स्टेप होता है कि हमें 8 डिफॉल्ट प्लेयर निकालने होते हैं। ये डिफॉल्ट प्लेयर वो होते हैं दोस्तों जो आपको सामने वाली टीम में 100% मिलने वाले हैं। अब अगर आप इनमें से किसी को मिस करते हैं और वो चलेगा तो फिर आपका सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। तो ये 8 प्लेयर आपको डबल सेफ्टी देते हैं। पहला सेफ्टी होती है कि अगर ये चलेंगे, क्योंकि ये बड़े प्लेयर होते हैं, अगर ये चलेंगे तो ये सामने वाले की टीम में भी होंगे और आपके पास भी होंगे, तो ना आपका नुकसान होगा ना आपका फायदा होगा। लेकिन अगर ये नहीं चलते हैं तब भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले की टीम में भी होंगे, तो प्लेयर से प्लेयर कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे 8 प्लेयर अगर कैंसिल हो जाते हैं तो सिर्फ 3 प्लेयर पे मामला आता है, और वो 3 प्लेयर आपको जीत जाते हैं 80-90% हेड टू हेड। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उन 11 प्लेयर पे फोकस करते रह जाते हैं, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं एक दो या तीन पंट पिक्स पे, और वो पंटर जो होते हैं वो उन्हें ये सारी की सारी स्मॉल लीग जिता देते हैं। दोस्तों पंटर कहते हैं जो मतलब चालू पुर्जा होता है, जो बिल्कुल उम्मीद नहीं हो जिससे, लेकिन वो काम कर जाए, तो इस तरह का पंटर आपने ढूंढना है। कैसे ढूंढना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेने हैं डिफॉल्ट पिक। डिफॉल्ट पिक मैंने आपको बता दिया कौन होते हैं, और डिफॉल्ट पिक की पहचान कैसे होगी आपको ड्रीम इलेवन पे या किसी ऐप पे, आपको यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज आजकल लगभग हर ऐप में दिखाई दे जाता है। तो आपको ऐसे प्लेयर पहले चूज कर लेने हैं जिनका 70% से ऊपर सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो बोरहम को 75% ले रखा है, और यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा। अगर बात करेंगे बैटिंग में तो यहाँ पे हम चलेंगे नीचे, जे खान को 80% लोगों ने ले रखा है, उसके अलावा यहाँ पे तनवीर को 86% ने ले रखा है, हमने ये दोनों ले लिए। ऑलराउंडर में अगर देखेंगे तो तलत को 90% ले रखा है, बाकी यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे ऊपर हाफिज़ है जिनको लगभग 60% ने ले रखा है, तो हम उनको भी ले लेंगे। अगर बॉलिंग के अंदर हम जाएंगे तो हम तनवीर को यहाँ पे 95% लोगों ने ले रखा है, हम उनको टीम में रखेंगे। और मलिक 66 है, आप चाहे तो उनको रख सकते हैं, और साथ में अगर नीचे जाएंगे तो एन मलिक 82%, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। अब आप देखिए दोस्तों, ये आपके हो गए 8 प्लेयर जो आपने ले लिए। अब ये 8 हो गए आपके डिफॉल्ट प्लेयर। तो सबसे पहले का पहला स्टेप सबसे इजी आपको हर टीम बनाने में यही लेना है कि 8 या 9 डिफॉल्ट प्लेयर पहले अपनी टीम में चूज करने हैं। ये डिफॉल्ट प्लेयर आपको सामने वाली टीम में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे अगर आप इनमें से किसी को मिस कर देते हैं रिस्क लेकर, तो अगर ये चल जाते हैं तो आपको वन साइडेडली मैच हरा दिए जाएंगे, चाहे आप कोई भी लीग खेल रहे हो। तो ये 8 प्लेयर आपकी टीम को सेफ्टी प्रदान करते हैं, और उसके बाद 3 प्लेयर जो हम लेंगे वो 3 प्लेयर हमें जिताते हैं स्मॉल लीग। तो दोस्तों 3 प्लेयर जो लेने हैं वो आपको कैसे लेने हैं ये हम सीखेंगे, जो मैं आपको नोट्स दूंगा अब। तो दोस्तों ये 3 प्लेयर जो हमें चूज करने हैं, सबसे पहला स्टॉप हमने ले लिया 8-9 डिफॉल्ट प्लेयर ले लिए। सेकंड प्लेयर हमारा अब 2-3 पंट पिक चूज करने का है। अब ये पंटर पिक हम कैसे चूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जो देनी है वो देनी है टॉप 3 बैट्समैन को, ओपनर हो या वन डाउन आने वाला बैट्समैन हो। ये 3 बैट्समैन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर T10 या T20 मैचेस के अंदर। और आज तक आप देख रहे हैं आजकल T10 और T20 ही ज्यादा हो रहा है, 2020 सबसे ज्यादा हो रहा है। वनडे भी अब काफ़ी कम हो गए हैं, पहले टेस्ट मैच तो होते ही नहीं थे, आजकल काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अब वनडे भी थोड़े कम हो गए हैं। T20 लीग दुनिया भर में चलती ही रहती है, कभी ये भारत में तो कभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान खत्म होती है तो वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ खत्म होती है तो ऑस्ट्रेलिया, तो दुनिया में कहीं ना कहीं हर महीने ये T20 लीग चलती ही रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले जो प्रेफरेंस देनी है जो उन 3 प्लेयर में, तो आपको देनी है टॉप 3 बैट्समैन। अगर कोई ऐसा है जो जिसको काफ़ी कम लोगों ने ले रखा है लेकिन आपको लगता है अच्छा प्लेयर है चल सकता है, तो आप उसको अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, वो आपको स्मॉल लीग जिता कर दे देगा। सेकंड प्रेफरेंस आपको दोस्तों किसने देनी है, सेकंड प्रेफरेंस आपको जो देनी है वो देनी है अगर कोई ऐसा ऑलराउंडर है जिसको कम लोगों ने ले रखा है लेकिन वो टॉप 5 के अंदर बैटिंग भी करता है, और अपने कोटे के लगभग लगभग पूरे ओवर भी डालता है, 4 नहीं तो 3 ओवर डालता है लेकिन टॉप 5 में बैटिंग भी करता है। तो ऐसे ऑलराउंडर अगर आपको मिल रहा है जिसको कम लोगों ने ले रखा है, हो सकता है थोड़ा सा टच में ना हो, पिछले 3-4 मैच खराब चले गए हों तो लोग उनको कम लेने लगते हैं, तो ऐसे प्लेयर को आप इस 3 प्लेयर में जगह दे सकते हैं। थर्ड नंबर पर प्रेफरेंस आपको देनी है दोस्तों डेथ बॉलर को। डेथ बॉलर कौन होता है दोस्तों, जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके लास्ट के जो 4 ओवर होते हैं वो, खासकर 2 ओवर मान के चलिए आप, बाकी अगर ऐसा बॉलर है जो 2 ओवर डालता है लास्ट के 4 ओवर में तो वो बॉलर आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा डेथ बॉलर लेना है। नॉर्मली काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं डेथ बॉलर जो है लास्ट में बॉलिंग करता है,
तो वो किसी भी टीम का हो आप उसको ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। डेथ बॉलिंग सिर्फ फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग को ही कहते हैं। सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग होती है तब टारगेट चेस करते हुए जब टीम बैटिंग कर रही होती है तो उस टाइम पे कप्तान ये देखता है कि किस जब विकेट की तलाश होती है तब वो अपने इंपॉर्टेंट बॉलर से बीच में भी बॉलिंग करा लेता है। तो कई बार डेथ बॉलर जो होते हैं वो बीच में भी बॉलिंग कर जाते हैं। तो सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग आती है तो वहाँ पे डेथ बॉलिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है। फर्स्ट बॉलिंग जब टीम करती है, जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके जो लास्ट के ओवर डालेंगे उसको ही सिर्फ डेथ बॉलर कहा जाता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, उनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको विकेट मिलने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। जब टीम पहले बैटिंग करती है तो उसको एक अच्छा टारगेट सेट करना होता है जिससे टीम दूसरी चेज ना कर पाए, और अच्छा टारगेट सेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि लास्ट के 4 ओवर में ये तेज़ गति से रन बनाएं, और वहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बेशक बॉलर बहुत अच्छा ना हो तब भी उसे डेथ बॉलिंग करते हुए विकेट ज़रूर मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, तो आपको उस प्लेयर को प्रेफरेंस देनी है जो पिच स्टाइल को सूट करता हो। ऐसा प्लेयर होते हैं कई टीम में, जैसे T20 में भी कई ऐसे प्लेयर को खिलाया जाता है जो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बहुत तेज़ी से रन नहीं बना सकते ये प्लेयर, लेकिन अगर पिच ऐसी है जिसपे बॉल रुक कर आ रहा है, धीमी गति से आ रहा है, तो वहाँ पे जो आक्रामक बल्लेबाज होते हैं वो आपको देखेंगे बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन जो टेक्निकली स्ट्रांग बैट्समैन होगा, जो कलाइयों का उपयोग करेगा, आगे बढ़ के स्पिनर्स को खेलेगा, वो वहाँ पे सक्सेसफुल होगा। और आप ऐसे बैट्समैन को यहाँ पे जगह दे सकते हैं पिच की कंडीशंस के हिसाब से। जब पिच फास्ट है, अच्छा बाउंस होके आता है बैट पे बॉल, वहाँ पे आप आक्रामक तरीके से खेलने वाले बल्लेबाजों को टीम में ज़्यादा जगह दे सकते हैं। तो पिच के बिहेवियर के हिसाब से जो बैट्समैन को सूट करती है उस बैट्समैन को आप अपनी टीम में जगह देने की प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगर ऐसा मैच है जिसमें एक टीम बहुत स्ट्रांग है और एक टीम बहुत ज़्यादा वीक है, तब अगर स्ट्रांग टीम की पहले बैटिंग आती है तो आप उसका एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। अगर स्ट्रांग टीम की पहले बॉलिंग आती है तो आप एक बॉलर को एक्स्ट्रा उस टीम का अपनी जगह में टीम में जगह दे सकते हैं। बेशक वो बैट्समैन या बॉलर बहुत अच्छी क्वालिटी का ना हो, लेकिन उस टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि सामने जो है टीम वो काफ़ी कमज़ोर है। तो दोस्तों इस तरह से आपके